जाति व्यवस्था एक चाल है, एक होशियारी है, एक मक्कारी है। इसके प्रणेता गजब के रहे होंगे, शातिर बुद्धि के रहे होंगे। उन्होंने पहले वर्ण व्यवस्था को जन्म दिया। उन्हें मालूम था जब एक बार वर्ण व्यवस्था का लाभ एक लक्षित समाज उठा लेगा तो वह इसे स्थायी कर देगा। शक्तिवान सदैव यथास्थितिवादी होते हैं, वे आसानी से अपने लाभों को छोड़ते नहीं हैं, वे आसानी से परिस्थितियों को पलटने नहीं देते। उनके पास धन, शास्त्र, शस्त्र, इनकी संग्रहित ताकत होती है। बदलाव की इच्छा रखने वालों को उनकी आवश्यकता अनुसार उन्हें सुविधाओं से या सजाओं से उनके मुंह को, उनकी आवाज को बंद कर दिया जाता है। जाति व्यवस्था बहुआयामी है, सदियां बदली, युग बदले, अनेक पैगंबर आए, अवतार आए, चिंतक आए, मनीषी आए, शासक आए, आक्रांता आए, ज्ञान आया, विज्ञान आया, सूचनाएं आई, तकनीक आई, विश्व कहां से कहां चला गया, लेकिन जाति व्यवस्था स्थिर है, पुष्ट है, दृढ़ है। इसे कोई टस से मस न कर सका। इसने हर युग के साथ खुद को ढाला, खुद को निखारा और उसका नया रूप पहले से भी अधिक आकर्षक, प्रभावी और स्थिर हो गया। बाजार, तकनीक, ग्लोबल विलेज, ये दुनिया को एक कर सकते हैं, लेकिन भारत में बिखरी हुई जातियों को एक नहीं कर सकते। जाति भारत के डीएनए में है। जाति यहां वैसे ही दौड़ रही है जैसे शरीर में लहू। इसके बिना मनुष्य का चिंतन, उसका कर्म, उसका सामाजिक जीवन स्वरूप नहीं लेता। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक यह जाति मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, यह तर्क को किनारे रख देती है, यह सक्षम वर्गों को लाभ पहुंचाती है। कौन है जो नहीं चाहेगा कि उसे पैदाइशी मान सम्मान, भूमि, संपदा, कारोबार, प्रभाव, शक्ति, समृद्धि प्राप्त हो। जिसे मिल जाएगी वह क्यों इससे वंचित होना चाहेगा। जाति शातिर होती है, जाति होशियार होती है, जाति धूर्त होती है। यह अपने सामने आने वाली हर चुनौती को आसानी से अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, यह हालात को बदल देती है किंतु खुद नहीं बदलती। जाति इस देश की नसों में है, जाति इस देश की रगों में है। यहाँ इंसान मरते हैं,
यहाँ विचार मरते हैं, यहाँ संस्कार मरते हैं, यहाँ रीति रिवाज मरते हैं, पर जाति अमर है। यह कभी नहीं मरती, ना इसे कानून मार सका, ना इसे संविधान मार सका, ना इसे ज्ञान मार सका, ना इसे विज्ञान मार सका। यह अमर है, यह नित्य है, यह अनश्वर है, यह जाति है, यह भारत है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।